हेलो चिल्ड्रन, आई होप ऑल स्टूडेंट आर वेरी वेल। मैं अंजु शर्मा, कक्षा प्रथम हिंदी भाषा की अध्यापिका हूँ। आज आप सभी का हमारी कक्षा में स्वागत है। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे, समझेंगे और बताए गए निर्देशानुसार कार्य करेंगे और दिए गए कार्यों का भी अभ्यास करेंगे। बच्चों, आप सभी पिछली कक्षा में स्वर, व्यंजन व दो वर्ण वाले शब्द, तीन वर्ण वाले शब्द और चार वर्ण वाले शब्द पढ़कर आए हैं। बच्चों, आज हम स्वर, व्यंजन व दो वर्ण वाले शब्दों का पुनरावृत्ति अभ्यास करेंगे। आइए, स्वर। स्वर 13 होते हैं। अ से अनार, आ से आम, ई से इमली, ई से ई, उ से उपहार, उ से ऊन, रि से ऋषि, ए से एड़ी, ए से ऐनक, ओ से ओखली, औ से औरत, अंग से अंगूर, अणा खाली। व्यंजन। व्यंजन 36 होते हैं। क से कमल, ख से खरबूजा, ग से गाजर, घ से घास, अणा खाली। च से चूहा, छ से छतरी, ज से जब, झ से झोंपड़ी, अणा खाली। ट से टोकरी, ठ से ठेला, ड से डमरू, ढ से ढोलक, अणा खाली। त से तितली, थ से थैला, द से दांत, ध से धनुष, न से नाव, प से पतंग, फ से फूल, ब से बतख, भ से भिंडी, म से मछली, य से यज्ञ, र से राखी, ल से लट्टू, व से वर्षा, श से शलगम। और देखते हैं, श से षटकोण, स से सड़क, ह से हार, छ से क्षत्रिय, त्र से त्रिशूल, ज्ञ से ज्ञानी। तो देखा बच्चों आपने कि अभी हमने स्वर और व्यंजन का अभ्यास किया। आओ इस अभ्यास का हम और उदाहरण द्वारा हम समझते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर लिखा है, चित्र पहचान कर अक्षर लिखो। ये चित्र किसका है आप सभी समझ गए होंगे। हाँ, ये चित्र है चम्मच। मैंने यहाँ पर पहले से ही इनको लिखा हुआ है, तो मैंने यहाँ पर व्यंजन क्या लिखा, च। च से चम्मच। यह चित्र किसका है, जग। ज से जग। यह चित्र किसका है, मछली। म से मछली। यह चित्र किसका है, आम। आ से आम। और दूसरा उदाहरण देखते हैं, खाली स्थान भरो। मैंने यहां पर पहले से ही लिखा हुआ है, देखिए ट के बाद क्या आता है, ठ। ड के बाद क्या आता है, ढ। और देखते हैं, अब दूसरा उदाहरण है ये हमारा स्वर और व्यंजन। स्वर और व्यंजन अलग कर कर लिखो। बच्चों, यहां पर मैंने स्वर और व्यंजनों को मिलाकर लिखा है। इनके कुछ अक्षर लिखे हैं, जैसे अ, च, ड, इ, न, उ, ओ, प, र, अं। मैंने इनका विभाजन कर दिया है। स्वर मैंने अलग लिखे हैं
और व्यंजन मैंने अलग लिखे हैं। सबसे पहला अक्षर है हमारा अ, तो ये क्या है बच्चों? हाँ, सब समझ गए होंगे, अ तो ये क्या है? स्वर। तो इसको हमने स्वर के नीचे लिखा अ। दूसरा अक्षर च, ये क्या है? हाँ बिल्कुल सही, च क्या है हमारा? व्यंजन। इसको हमने कहाँ लिखा? व्यंजन के नीचे। तीसरा अक्षर ड, ये क्या है हमारा? व्यंजन। तो हमने कहाँ लिखा? व्यंजन के नीचे। ये अक्षर क्या है? ई, ये क्या है? स्वर। इसको हमने कहाँ लिखा? स्वर के नीचे। ना क्या है हमारा? व्यंजन। इसको हमने कहाँ लिखा? व्यंजन के नीचे। ऊ, ऊ क्या है? स्वर। इसको हमने कहाँ लिखा? स्वर के नीचे। ओ, ओ क्या है हमारा? स्वर। इसको हमने कहाँ लिखा? स्वर के नीचे। प क्या है हमारा? व्यंजन। कहाँ लिखा हमने इसको? व्यंजन के नीचे। र क्या है? व्यंजन। इसको कहाँ लिखा हमने? व्यंजन के नीचे। अंग, अंग क्या है? हमारा स्वर है। कहाँ लिखा हमने? स्वर के नीचे। आओ बच्चों और दूसरा उदाहरण देखते हैं, मिलान करो। यहाँ पर मैंने कुछ चित्र बनाए हैं और यहाँ सामने मैंने उनके अक्षर लिखे हैं, लेकिन ये अक्षर सही नहीं है। हमने इन अक्षरों को सही चित्र के साथ मिलाना है। जैसे कमल, ये चित्र किसका है? कमल। तो का कहाँ है? ये क से कमल, इसको हमने एक रेखा के द्वारा मिलाया है। दूसरा चित्र है सेब, स से सेब, इसको भी हमने रेखा के द्वारा मिलाया है। ये चित्र किसका है? हाथ, ह से हाथ। और ये चित्र समझ गए होंगे, हाँ, क्योंकि ये सभी का मन पसंद है, लड्डू। ल से लड्डू, इसको भी हमने रेखा के द्वारा मिलाया है। और देखते हैं, दो वर्णों से बने शब्द। बच्चों जैसे हमने बताया था कि स्वर और व्यंजन को मिलाकर हम नए शब्द बना सकते हैं, जैसे क जमा ल, क ल कल। उ जमा न, ऊ न ऊन। ई जमा ख, ई ख ईक। न जमा ल, न ल नल। ज जमा ग, ज ग जग। प जमा ड, प ड पड। और उदाहरण देखते हैं, सही शब्द से मिलाओ। यहां पर भी हमने कुछ चित्र बनाए हैं और हमने अब क्या लिखा है? शब्द। अब हमने शब्द लिखे हैं, बिल्कुल सही समझा, ये शब्द भी हमने गलत तरीके से लिखे हैं। इन शब्दों को हमें सही चित्र के साथ मिलाना है। देखते हैं किसकी चित्र है, खत। तो इसको हमने रेखा के साथ कहाँ मिलाया? ख त खत। और ये चित्र किसका है? बिल्कुल सही पहचाना, सांप। लेकिन बच्चों यहां पर हमारा सांप से नहीं, सांप का जो मुंह होता है उससे मतलब है। सांप के मुंह को पता है क्या बोलते हैं? फन। ये जो इसका मुंह है इसको हम क्या बोलते हैं? फन। तो कहाँ लिखा है शब्द? फ न फन, इसको हमने रेखा के द्वारा मिलाया है। ये चित्र किसका है? रस, र स रस। ये चित्र किसका है? फल, फ ल फल। और देखते हैं, अब हम दो वर्णों वाले शब्दों की वाक्य रचना, कि दो वर्णों वाले शब्दों से हम सरल वाक्य कैसे बनाते हैं, उसका अभ्यास करेंगे। ये चित्र मैंने किसका बनाया है? बस। तो यहां पर मैंने पहले से ही लिखा हुआ है ब स बस।
पर चढ़, ये हमारा क्या बना? सरल वाक्य है, बस पर चढ़। ये चित्र किसका है? फल, फल। इसका सरल वाक्य क्या होगा? फल चख। ये चित्र किसका है? घर, घर, घर। इसका सरल वाक्य क्या बनेगा? घर चल। ये चित्र किसका है? एक नल है और एक टब है, और नल खोलने पर हमें क्या मिलता है? सही समझे, पानी। इसको सरल भाषा में क्या बोलते हैं? जल। तो यहां हमने क्या लिखा? ज ल जल। इसका सरल वाक्य क्या बनेगा? जल भर। बच्चों, आप सभी ने जैसे कि इसका अभ्यास किया स्वर, व्यंजन और दो वर्ण वाले शब्दों का, मैं आशा करती हूं कि आप सभी ने स्वर और दो व्यंजन से शब्दों का अच्छी तरह से पुनरावृत्ति अभ्यास समझा होगा। अंत बच्चों, आपको मैंने अभ्यास कार्य भी दिया है, देखते हैं बाद में क्या आता है। जैसा कि आपने अभी पुनरावृत्ति हमारी उसमें देखा था कि कैसे करवाया है, ख के बाद क्या आता है, ह के बाद क्या आता है, ना के बाद क्या आता है, च के बाद क्या आता है, जा के बाद क्या आता है। दूसरा है मिलाकर लिखो, जैसे क और प लिखा है, आपने इन्हें मिलाकर लिखना है। र जम थ, इन्हें भी आपने मिलाकर लिखना है। जैसे आपने वाक्यों का अभ्यास किया था, वैसे ही आपको चित्र सहित वाक्य अभ्यास दिया गया है। अब घर चल, आपने ये सारे वाक्य इसी तरह से करने हैं। अगला प्रश्न, निम्न प्रश्नों पर सही का निशान लगाओ। यहां मैंने कुछ शब्द दिए हुए हैं और आपने इनमें से जो सही शब्द है उसे छांटना है और उसके ऊपर इस तरह का सही का निशान लगाना है। अगला प्रश्न, निम्न अक्षरों के तीन तीन शब्द बनाओ। यहां पर मैंने दो अक्षर आपको दिए हैं, पहला है क, इसके आपने तीन नए शब्द बनाने हैं। दूसरा है म, इसके भी आपने तीन नए शब्द बनाने हैं। अगला प्रश्न है लाइनों को पूरा करो। जैसे आपने अभ्यास किया था अभी, च के बाद क्या आता है, ज के बाद क्या आता है, त के बाद क्या आता है और द के बाद क्या आता है। बच्चों, मैं आशा करती हूं कि आपने सभी जो हमने अभ्यास किए हैं स्वर व्यंजन को, उन्हें अच्छी तरह से देखा और समझा। आपने ये सारा अभ्यास कार्य अपनी हिंदी की डबल लाइन वाली कॉपी में करना है। धन्यवाद।